नमस्कार, कला प्रवचन में आपका फिर से स्वागत है। आज थोड़ी अलग बात करेंगे। चूंकि हमारे 64 कलाओं का वर्णन है, ये 64 कलाएं आई कहां से? हम जब फाइन आर्ट्स की बात करते हैं तो हमको ये ध्यान में आता है कि यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट्स है, विजुअल आर्ट्स है, और फिर हम कहते हैं कि परफॉर्मिंग आर्ट्स में डांस, ड्रामा और म्यूजिक ये कलाएं आती है, और विजुअल आर्ट्स में स्कल्पचर और पेंटिंग ये कलाएं आती हैं। ये डिवीजन हुआ कैसे? इस प्रकार का जो वर्गीकरण है ये क्यों किया गया? इसका आधार क्या है? क्यों हमने परफॉर्मिंग आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स ऐसा एक डिवीजन कर दिया? इसके पीछे क्या कारण है? और कलाओं के जो अलग अलग ब्रांचेस जिसे हम कहते हैं, तो ये ब्रांचेस कहाँ से निर्माण हुए, तो ये जानने की कोशिश करना बड़ा ज़रूरी लगता है मुझे। इसलिए मैं आपसे आज इसी बात पर बात करूंगा कि ये ब्रांचेस हुई कैसे, कला की इतनी शाखाएं कहाँ से निर्माण हुई। तो कुछ एक दो तीन कारण मेरे सामने नजर आते हैं। एक तो ऐसा है कि बहुत बड़े फिलोसोफर थे कांट, उन्होंने एक अलग ही एक पॉइंट रखा था कि एक जो हर कला की अपनी एक क्षमता होती है, तो सब्जेक्ट्स एबिलिटी ऐसा कहा हुआ, इस विषय की एक क्षमता होती है। जैसा मैं अभी डांस की बात करता हूँ, ड्रामा की बात करता हूँ या पेंटिंग की बात करता हूँ, तो हर विषय की अपनी एक क्षमता है, एक एबिलिटी होती है, और ये एबिलिटी अलग अलग प्रकार की होती है। हर किसी की क्षमता एक समान नहीं रहेगी। क्षमता से मेरा मतलब यह है कि क्षमता निर्माण करने की, और क्षमता से मेरा मतलब ये भी है कि उसका जो इम्पैक्ट लोगों पर पड़ता है, तो उसकी भी क्षमता अलग अलग होती है, अलग तरीके से उसका इम्पैक्ट भी होता है। संगीत जब हम सुनते हैं रात को, तो उसको जो इम्पैक्ट हमारे मन पर होता है वो अलग ढंग से होता है। जब हम ड्रामा देखते हैं, परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज देखते हैं, किसी एक्टर को एक्टिंग करते समय देखते हैं, तो उस समय भी जो इम्पैक्ट हमारे सामने होता है वो अलग ढंग से होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट हर कला का अलग अलग ढंग से होता है। इसलिए इसे एक एबिलिटी कहा गया है कि एक क्षमता है कला की, और उस क्षमता के आधार पर हम कलाओं का विभाजन कर सकते हैं। लेकिन हेगेल नाम के एक जो फिलोसोफर है, उन्हें ऐसा नहीं लगता। उन्होंने एक अलग ही ढंग से और भी बात किया है। उन्होंने ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बारे में बात किया है। तो एक क्या ऑब्जेक्टिव रियलिटी रह सकती है? हर कला की अपनी एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी हो सकती है। उसका ऑब्जेक्ट भी अलग अलग हो सकता है, और शायद इसीलिए हो सकता है कि अलग अलग कलाएँ निर्माण। लेकिन कुछ फ्रेंच मटेरियलिस्टिक लोग थे, उन्होंने इस बात पर जोर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया अलग होती है, माध्यम अलग होता है। जैसे कि माध्यम से मेरा मतलब यह है कि जैसा हम पेंटिंग की बात करेंगे तो रंग के माध्यम से सब कुछ सामने में आता है, या उसमें अलग अलग फॉर्म्स मुराम निर्माण होते हैं, और उस माध्यम से हमारे तक वो कला पहुँचती है। लेकिन संगीत में ऐसा नहीं है। संगीत में तो साउंड के माध्यम से पहुँचता है, तो इट इज़ इमिटेशन ऑफ साउंड कहा गया, इट इज़ इमिटेशन ऑफ रिदमिक साउंड कहा गया। और म्यूजिक को तो बड़ा शानदार कहा कि म्यूजिक इज पोइट्री ऑफ साउंड कहा गया। साउंड का कितना अहम महत्व है, इसलिए उसमें साउंड का इमिटेशन होता है, इसलिए साउंड का महत्व है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो माध्यम है, ये माध्यम यदि अलग अलग होते हैं, तो नेचुरली हर कला का माध्यम अलग है। इसलिए हर कला अलग अलग प्रकार की रह सकती है, होती भी है। जैसा ड्रामा का माध्यम, जो एक्टर के माध्यम से ड्रामा हमारे सामने आता है, तो एक्टर एक बहुत बड़ा उसमें का मीडिया है जिसके माध्यम से नाटक हमारे सामने में आता है। नाटककार ने जो भी लिखा होगा वो हमारे सामने उस एक्टर के माध्यम से आता है। तो यहाँ पर माध्यम महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जो तीनों जो बातें मैंने आपको अभी तक बताई है, कि एक कांट का कहना या हेगेल का कहना या फिर फ्रेंच मटेरियलिस्टिक लोग जो है उनका कहना कि माध्यम होता है और इसलिए अलग अलग कलाओं का निर्माण होता है, तो इसमें इम्पैक्ट वाली बात होती है। जो कला का जो परिणाम होता है उसके बेसिस पर एक क्लासिफिकेशन किया गया ऐसा लगता है। लेकिन इसका कारण क्या है, डिवीजन का कारण क्या है, ये बात खुलकर यहाँ पे सामने नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी थ्योरी है इमिटेशन की, लेकिन इमिटेशन की थ्योरी को एरिस्टोटल ने जिस ढंग से रखा है, उससे हमको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है कि ब्रांचेस ऑफ आर्ट्स कैसे क्यों निर्माण हुई करते। उन्होंने तीन बातें कही कि इमिटेशन तो होता है, कला में इमिटेशन होता है। कोई भी कलाकार जब कला वस्तु निर्माण करता है, तो किसी न किसी चीज़ का इमिटेशन करता है।
इमिटेशन ऑफ साउंड है जैसा म्यूजिक में, तो किसी के ना किसी का वो अनुकरण करता है। तो फिर यदि वो अनुकरण करता है तो सारी कला एक सरी की रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने तीन बातें कही, ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन क्या है, मीडिया ऑफ इमिटेशन क्या है और मोड ऑफ इमिटेशन क्या है। अब ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन अलग अलग रहेगा, किस चीज का इमिटेशन हो रहा है, जैसा ड्रामा में इमिटेशन ऑफ एक्शन है, और ये एक्शन कहाँ से मिलती है, तो एक्शन ये ड्रामा में से मिलती है। ड्रामा का एक स्क्रिप्ट होता है, ड्रामा का जो स्क्रिप्ट लिखा गया है उसी पर से उसकी एक्शन डिसाइड होती है और उसका इमिटेशन होता है, तो मेन इन एक्शन ऐसा कहा गया है। यहाँ पर मेन इन एक्शन है, एक्शन का इमिटेशन है, मेन इन एक्शन का इमिटेशन है, तो इमिटेशन अलग हो गया। संगीत में जैसा मैंने कहा कि साउंड का इमिटेशन हो गया, तो इमिटेशन जिसका हो रहा है वो अलग है, इसलिए ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन अलग है। अब सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन अलग है इसलिए अलग अलग कला है ऐसा भी नहीं। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा पॉइंट ऐसा है कि मीडियम ऑफ इमिटेशन भी अलग है, माध्यम भी अलग है, और इतना ही नहीं तो मोड ऑफ इमिटेशन भी अलग है, हर किसी का पद्धति भी अलग है। एंड डांस में जो इमिटेशन होता है कैरेक्टर्स का वो अलग ढंग से होता है। डांस इज एन इको ऑफ म्यूजिक कहा गया, इको ऑफ म्यूजिक यानी म्यूजिक होना वहाँ पे, जब बोल बोले जाते हैं डांस में तो बोल के ऊपर एक्सप्रेशन होते हैं और रिदमिक मूवमेंट ऑफ द बॉडी होती है ऐसा कहा गया, और इसलिए एक्सप्रेशन भी होता है, इसलिए वहाँ पर अभिनय भी होता है। तो लेकिन मोड ऑफ इमिटेशन अलग प्रकार का है। तो तीन बातें हो गई, एक तो ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन, दूसरा मीडियम ऑफ इमिटेशन और तीसरा मोड ऑफ इमिटेशन, ये तीनों भी अलग अलग होते हैं, इसलिए फिर अलग अलग कलाओं का निर्माण होता है, अलग अलग ब्रांचेस कलाओं की फॉर्म होती है। इसलिए अभी आज के ज़माने में ऐसा कहा गया कि ये फाइन आर्ट्स जो होता है, इस फाइन आर्ट्स को जैसे ललित कला कहा गया है, फाइन आर्ट्स में दो प्रकार की कलाओं का अंतर्भाव किया गया है, एक है परफॉर्मिंग आर्ट्स मतलब डांस ड्रामा और म्यूजिक, और दूसरा विजुअल आर्ट्स पेंटिंग और स्कल्पचर। आजकल आर्किटेक्चर को भी इसमें इसका समावेश, आर्किटेक्चर का भी इसमें समावेश किया गया है, जो भी हो। लेकिन ये फाइन आर्ट्स जो शब्द है, ये फाइन आर्ट शब्द कहाँ से आया, क्यों इन्हें फाइन आर्ट्स कहा गया, ये भी समझना बहुत जरूरी है। फाइन है ना क्या, तो एक्सप्रेशन ऑफ सटल इमोशंस ऐसा कहा गया, जहाँ पर सूक्ष्म भावों का प्रदर्शन होता है, जहाँ पर सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति होती है, वेयर देर इज एक्सप्रेशन ऑफ सटल इमोशंस वहाँ फाइन आर्ट आता है। अब ये एक्सप्रेशन ऑफ सटल इमोशंस कहीं भी रह सकता है, ये एक्टिंग में रह सकता है, ये बोलने में रह सकता है, ये भाषण में रह सकता है, डांस में रह सकता है, ये गाने में रह सकता है, गीत में रह सकता है, ये किसी पोएट्री की रचना जब हम करते थे उसमें भी एक सटल इमोशंस की बात होती, सटल इमोशंस की बात कर रहा हूँ मैं, सूक्ष्म भावों का प्रदर्शन ऐसे में बात कर रहा हूँ। कोई भी इमोशंस नहीं, इमोशंस तुम कुछ भी करो, कोई भी एक्शन करो तो कुछ ना कुछ इमोशंस तो निर्माण हो जाएंगे, वैसे नहीं, पर जहाँ पर सूक्ष्म भावों का प्रदर्शन होता है, जस्ट जो जो इमोशंस हमको होना है उसी इमोशन की यदि अभिव्यक्ति होती है जहां जहां होती है, दैट इज फाइन आर्ट। ऐसा यदि होता है तो फिर ये सारे डांस ड्रामा म्यूजिक पेंटिंग ये जो कला है, यहाँ पे हमको ये दिखता है कि यहाँ पे हमेशा तुमको सटल इमोशंस का ही एक्सप्रेशन तुमको दिखेगा, इसलिए उन्हें फाइन आर्ट्स कहा गया है। और इसलिए जो ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस जो हमारे यहाँ पे कलाओं के निर्माण हुई है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन, मीडियम ऑफ इमिटेशन एंड मोड ऑफ इमिटेशन हर समय अलग अलग है, इसलिए अलग अलग कलाओं का निर्माण हुआ है और उस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है।